का एक बड़ा खेप जो है वो झंझारपुर एरिया से गुजरने वाला है, तो इसमें SDPO झंझारपुर के नेतृत्व में एवं SHO झंझारपुर और रूप कम्बू जो भैरव स्थान थाना अध्यक्ष हैं और अरविंद कुमार, मनोज कुमार और सशस्त्र बल के और नेहा कुमारी जो पहले वहाँ काम कर चुकी, इन लोगों के नेतृत्व में एक टीम बनाया और टीम को जांच सत्यापन हेतु और पकड़ने के लिए गठित किया गया और सूचना सत्य पाया गया। सूचना के आधार पर एक व्यक्ति जिसका नाम प्रेम कुमार कामत है जो लौकी का रहने वाला है, उसकी जब तलाशी ली गई तो लगभग 13,100 रुपये बरामद हुए, जिसमें 2,000 रुपये का नोट है, जिसमें लगभग 5,64,000 रुपया नकली नोट है, 500 रुपये का नोट जिसमें 6,16,500 का नोट है, 200 रुपये का नोट है जिसमें 78,000 के लगभग 100 रुपये का नोट जो 41,600 है, 2 प्रिंटर भी बरामद हुआ, नोट को रंगने के लिए ब्लू, मजेंटा, पीला, काला रंग का कलर, एक ओप्पो का मोबाइल भी बरामद किया गया। इसके संबंध जो अभी तक पूछताछ से सामने आई है, जो तार कुछ नेपाल से जुड़े हैं या अन्य और भी जो तस्कर हैं हो सकता है अन्य जगह से ऑपरेट कर रहे हैं उस पर भी हो सकते हैं, इस संबंध में अभी हम लोग की आगे की कार्रवाई जारी है और जो भी इस टीम में शामिल है उनको पुरस्कृत किया। अभी तक इसके द्वारा सब चीज़ इन लोगों की पूछताछ की जा रही है, जहाँ तक जिस तरह से जो मोडस ऑपरेंडी है इनके द्वारा कुछ तो जरूर छोड़ा गया है, इसलिए एक सब लोगों से अपील भी है कि सब लोग को जांच परख करके ही, खासकर बॉर्डर एरिया पड़ता है हमारा मधुबनी, तो इसको जांच परख करके ही किसी से लेन देन करें।